बात करते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। अगर रेफरेंस लें हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, तो सेक्शन 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहां पर पति या पत्नी दो में से एक घर छोड़ के चला गया है और जो ऑपोजिट पार्टी है उसे वापस बुलाना चाहता है, साथ में रहना चाहता है, अपने पारिवारिक रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, इस कंडीशन में क्या और वकील की फीस होगी कितनी, इसी वीडियो में हम दोनों ही टॉपिक पे बात करेंगे। जी हाँ, सेक्शन 9 वहाँ पर जहाँ पर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट अपने जो भी एक विवाह है, दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं उसका पुनर्वहन करना, उसे पूरा करना, मतलब बिना कारण अकारण कोई पति या पत्नी बिना किसी कारण के एक दूसरे को छोड़ करके अलग नहीं रह सकता। अगर अलग रहना है तो उसके पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण होने चाहिए, अगर कारण नहीं है तो अलग नहीं रह सकते, और अगर अलग रहते हैं तो जो ऑपोजिट पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, कोर्ट के सामने एप्लीकेशन दे सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का रेफरेंस लें तो वो कह सकता है कोर्ट को कि आप मेरे पति या पत्नी को वापस बुलाइए, मेरे साथ रहने के लिए उसे कहिए, और कोर्ट आपके केस को, फैक्ट्स को देखने के बाद, जो ऑपोजिट पार्टी है नोटिस सर्व करने के बाद, उनके जो भी एविडेंसेस हैं या रिप्लाई लेने के बाद, जवाब लेने के बाद, काउंसलिंग मेडिएशन, ये जो पूरा प्रोसीजर है वो करने के बाद कोर्ट को जो ठीक जो बेहतर लगता है वैसा दिशा निर्देश कोर्ट निश्चित रूप से कर सकती है या डिक्री जजमेंट या ऑर्डर पास कर सकती है। लॉयर की फीस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा इस टॉपिक पर कि आखिर वकील की फीस कितनी होती है। देखिए, ये मेरा एक खुद का एक अनुमान है, अलग अलग हो सकता है, लॉयर टू लॉयर डिफरेंट, अलग अलग जगह पे ये डिपेंड करता है कि आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक बड़े शहर पे ये केस फाइल कर रहे हैं या एक छोटे शहर पे आप केस फाइल कर रहे हैं या किसी एक छोटे ज़िले में केस फाइल कर रहे हैं, तो फ़र्क इस पर भी पड़ता है। और इसके साथ ही वकील की फ़ीस वकीलों के ऊपर भी निर्भर करती है, उनका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा है, आपके केस के ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है कि भाई आपके केस में समय कितना ज़्यादा लगेगा, लॉयर को काम कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही केस की फ़ीस डिसाइड होती है। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में यदि हम लोग फीस की बात करें तो कम से कम आपके 10,000 रुपये लगने निश्चित हैं, क्योंकि समय लगता है। समय लगना मतलब आप किसी लॉयर के पास जाएंगे तो हो सकता है सबसे पहले परामर्श आपको करना पड़े, परामर्श के बाद की जो स्टेज आती है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके तैयार करके और आपकी जो भी पूरी स्टोरी है इसके साथ आपके सिनॉप्सिस ब्रीफ के साथ आपको लॉयर से मिलना पड़ेगा। लॉयर देखने के बाद फिर ड्राफ्टिंग करेगा, तो पहला जो स्टेप है वो लीगल नोटिस भेजने का स्टेप होता है। वकील एक लीगल नोटिस भेजेगा और अगर लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के बाद भी आपका पति या आपकी पत्नी ने कोई रिप्लाई नहीं किया या वो वापस रहने के लिए नहीं आया तो फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कोर्ट में केस आपका जाएगा। कोर्ट में केस फाइल होने के बाद में फिर उसके भी स्टेजेस होते हैं, काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, जहाँ पे इनिशियल स्टेज में फाइलिंग होती है, ऑब्जेक्शन वगैरह सारा कुछ रिमूव हो जाने के बाद फिर वो आपका जज हियरिंग में केस लेता है, नोटिस सर्व होते हैं ऑपोजिट पार्टी को, समन्स जाते हैं, कोर्ट से बुलावा जाता है उनको, और जो ऑपोजिट पार्टी अगर फिर भी कोर्ट में नहीं आया तो आपके पास एक्स पार्टी जजमेंट या डिग्री का भी एक ऑप्शन आ जाता है। बट अगर आया तो फिर क्या, फिर एक ट्रायल का पूरा सिस्टम है, आपकी मीडिएशन होगी, काउंसलिंग होगी, आप रिटन स्टेटमेंट जो ऑपोजिट पार्टी है वो सबमिट करेंगे, उसके बाद फिर आपको अगर कुछ कहना है तो आप कहेंगे, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, आपके सारे एविडेंसेस सबमिट होंगे, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, फिर जजमेंट और डिक्री और ऑर्डर्स, तो ये सारी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका पति या पत्नी घर छोड़ करके चला गया है, कोर्ट में आप जाएंगे इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलेगी, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा समय लगता है, और इन्हीं सारी चीज़ें, इन्हीं सारे फैक्टर्स के ऊपर एक वकील की फीस का निर्धारण होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर नॉमिनल केस में देख भी लिया जाए तो कम से कम अगर आप छोटे जिले में भी अपना केस फाइल कर रहे हैं 10,000 रुपये तक मेरे अनुमान के हिसाब से आपका लग सकता है। अगर किसी मेट्रोपॉलिटन बड़ी सिटी में कर रहे हैं, जैसे दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, इस तरह के बड़े महानगरों में या बड़े शहरों में केस फाइल करें तो कम से कम 20,000 से 25,000 रुपये तो आप समझ के रखिए कितने पैसे आपके RCR केस, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के केस में लगेंगे। इसके अलावा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है,
मैक्सिमम आपका हो सकता है 50,000, 70,000, 1,00,000 रुपए तक भी लग जाए, लेकिन जो कम से कम है, छोटे शहर या छोटे जिले से लेकर के एक मैंने बड़े शहर तक का एक कम से कम एक अनुमानित आपको खर्च बताया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट में आरसीआर के केस में कितना आपका खर्चा हो सकता है। ये मेरा अनुमान है, ये अलग भी हो सकता है और निश्चित रूप से अलग लॉयर की फीस, किस शहर में काम कर रहा है, उसे कितना काम करना पड़ेगा, उसे कितना एफर्ट देना पड़ेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रख करके होता है। बने रहिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे साथ निश्चित रूप से आप जुड़े रहिए, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो की जानकारी जो हमारे द्वारा आपको दी गई पसंद आई हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन है, व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, जहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए सजेशन ले सकते हैं। आप सभी जो हमें प्यार करते हैं और निश्चित रूप से आपका जो महत्वपूर्ण और कीमती समय हमें देते हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।